कि सियाह बख्तों की तकदीर जगमगाएंगे, कदम कदम पे चिरागे वफा जलाएंगे, हमारे हाथ में आने को दो निजामे चमन, खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। ये 2024 का लोकसभा चुनाव है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार मोदी जी की बनी, उन्होंने आपसे कुछ वादे किए थे, मैं उस पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं। आपसे कहा गया था कि अब की बार मोदी सरकार, मोदी जी की सरकार बन जाएगी तो 15-15 लाख रुपया सबके अकाउंट में आ जाएगा। बात तो पुरानी है लेकिन बिल्कुल सही सही बताइएगा कि आप में से किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आ गया? लगातार माता जी लोग के अकाउंट में आ गए। क्या आप लोगों के अकाउंट में 15 लाख रुपया आ गया? नहीं। तो ये सच रहल कि झूठ रहल? झूठ रहल है। इन्होंने वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 10 वर्ष में 20 करोड़ नौकरियां। क्या 20 करोड़ नौकरियां हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार और नौकरियां मिल गई? ये सच रहा कि झूठ रहा? झूठ। इन्होंने कहा था कि 60 रुपये का पेट्रोल बहुत महंगा है, हमारी सरकार बनेगी तो हम 35-40 रुपये का कर देंगे। आप लोग दिल पे हाथ रख के बताइए कि 100 रुपये का पेट्रोल सबने भराया कि नहीं भराया? उससे ऊपर चल जाएगा। तो ये झूठ रहा कि सच? झूठ रहा है। आप मजबूती से बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं, इसलिए आप जोर से बोलिए। झूठ था ना? इन्होंने वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे। आज चीनी का दाम ले लीजिए, सरसों के तेल का दाम ले लीजिए, पेट्रोल डीजल का दाम ले लीजिए, गैस सिलेंडर का दाम ले लीजिए, प्लेटफार्म के टिकट का दाम ले लीजिए, कोई चीज ऐसी नहीं है जो 10 साल के इनके कार्यकाल में सस्ती हुई हो। भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जिस चीज के लिए आपका 100 रुपया 200 रुपया लगता था, आज 500, 1000, 2000, 4000 लग रहा है। इन्होंने कहा था कि जब हमारी सरकार रहेगी केंद्र में तो हम हर मुद्दे पर जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आएंगे, और पूरी तरह से ये सरकार झूठ बोली और विफल रही। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, एक तरफ ये झूठी पार्टी है, एक तरफ आपकी सच्ची पार्टी जो अब सब मिलकर एक हो गए हैं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनका गठबंधन बन गया है जिसका नाम इंडिया अलायंस है। ये इंडिया गठबंधन आज पूरे देश में मिलकर के देश को एक नई दशा, देश को एक नई दिशा और नई राह दिखा रहा है। मैं आपको ये बताने के लिए यहां आया हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने सबसे कम समय में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बना के देने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। लैपटॉप बांटने का काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया था। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 100 नंबर थी जिसको आज इन्होंने नाम बदलकर 112 कर दिया। एम्बुलेंस चलवाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। ऐसे अनेकों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। समय को ध्यान में रखते हुए आपसे ये कहना चाहता हूं कि 2024 का ये चुनाव है जो आने वाले आपका भविष्य को तय करेगा। ये 2024 का चुनाव सिर्फ सांसद बनाने और प्रधानमंत्री बनाने का ही चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव संविधान बचाने के लिए भी अब लड़ा जा रहा है। अगर ये ताकतें दोबारा सरकार में आ गई तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें संविधान में अधिकार दिया है एक वोट का, अंबानी जी के लेखों का एक वोट है, अदानी जी के लेखों का एक वोट है, और हमारा आपका हम सब का भी एक ही वोट है, ये समान अधिकार हमको इस संविधान में दिया और किसी ने नहीं। ये 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद अगर ये शक्तियां दोबारा सत्ता में आ गई
तो ये संविधान भी खतरे में आ जाएगा, ये संविधान भी बदल देंगे। जो हमारे और आपका एक वोट देने का अधिकार है वो भी बदल दिया जाएगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माओ बहनों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ हमारी जानों के दुश्मन नहीं है। जिस तरह से इन्होंने हमें कोरोना का टीका लगवाया और इंग्लैंड की लंदन की अदालत में जाकर स्वीकार किया कि जिसको टीका लग रहा है उसको हार्ट अटैक हो जा रहा है, ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है। मैं 26 साल का हूं, मेरी उम्र के लड़कों को, मेरी उम्र की बहनों को हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है ये टीका लगवाने के बाद। अब तक टीका लग गए, अब तक शरीर में घुस गए, अब तक बाहर निकली ना। इसलिए आपको ये याद रखना है कि ये लोग आपकी जानों के भी दुश्मन हैं। आपको महंगाई से भी मार रहे हैं, आपको जीएसटी से भी मार रहे हैं, और आपको इस तरह का टीका लगवाकर जिसको ये खुद स्वीकार करते हैं कि इसको लगवाने के बाद हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, वैसा टीका भी लगवा दिया। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माओ बहनों, हमको और हमारे परिवार को दबाने और मिटाने की हर कोशिश की गई। माननीय सांसद जी को पिछले 5 साल में कोई नतीजा नहीं छोड़ा। खेत खलियान बगीचा जमीन जायदाद घर सब सीज कर दिया, कुर्क कर दिया, पैदल करने की कोशिश की, हौसला तोड़ने की कोशिश की, यहां तक कि झूठा मुकदमा, बिल्कुल झूठा और बोगस मुकदमे में सजा करा करके उनको इस जो आपने उनको सांसद बनाया था उससे भी उनको हटाने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं सर्वोच्च न्यायालय का कि सर्वोच्च न्यायालय ने फिर उनकी सजा पे रोक लगाई और उनको दोबारा के सांसद बनाया और वो फिर चुनाव में आपके बीच यहां हाजिर है। मैं पूछना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि किया क्या, बलिया में यहां भाजपा के सांसद हैं, आपकी रिश्तेदारी नातेदारी हो आप पूछ लेना, क्या बलिया में सांसद जी ने पीएम जसवाई से इतनी रोड कराई है क्या? पूरे उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जितना अकेले गाजापुर में माननीय सांसद जी ने सड़क का काम कराया है उतना पूरे पूर्वांचल में किसी सांसद ने पीएम जसवाई से सड़क नहीं कराया। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माओ बहनों, आज एक हवा चल चुकी है पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक, सब जगह जनता बिल्कुल त्रस्त है, गरीब मजदूर बेसहारा बेकस सब परेशान है और सब चाहते हैं कि ये सत्ता बदले। 10 साल हो गया इनके झूठ को, इनके जुमलों को सुनते सुनते कोई राहत नहीं है, कोई सुकून हमें नहीं मिला। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाली 1 जून को आपको साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर यहां से माननीय सांसद श्री अफजाल अंसारी को तिवारी ऐतिहासिक वोटों से सांसद बनाकर भेजना है और आने वाले समय में अपनी सरकार को केंद्र में बनाना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माओ बहनों, मैं आपसे ये भी एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिया बख्तों की तकदीर जगमगाएंगे, कदम कदम पे चिरागे वफा जलाएंगे, हमारे हाथ में आने को दो निजामे चमन, खुली हवा में परिंदे भी मुस्कुराएंगे। बिना सत्ता में रहते हुए माननीय सांसद जी ने जो काम किया है वो अद्भुत है। अगर केंद्र में सरकार बन गई, जो कि बनना निश्चित है, और माननीय सांसद जी का जीतना भी निश्चित है, आपके प्यार आशीर्वाद में, आपकी आंख में जो प्यार है, जो आपके आपके यहां आने के बाद मुझे भावना दिखाई दे रही है, वो मुझे ये बता रही है कि आप अपने आशीर्वाद, अपने प्रेम और अपने प्यार से और अपने वोट से इनको भर के यहां से भेजे। मैं 26 साल की जिंदगी में 25 साल अपने पिता से दूर रहा हूं, उनको झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने हमें खरीदने की कोशिश की, हमको ऑफर भेजा गया, हमको डराया धमकाया गया, जब हम नहीं दबे और नहीं टूटे, जब हमारे परिवार के लोग अड़िग रहे, तब जाकर के इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरी माता जी के ऊपर जिसका चेहरा भी किसी ने नहीं देखा होगा उनके ऊपर 16 मुकदमे लगाए गए।
500 रुपए के बोर्ड चोरी का मुकदमा लगाया गया। मेरे भाई जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन थे और निशानेबाजी की प्रतियोगिताओं में कई स्वर्ण पदक जीते, 9 मेडल जीते और इस देश के भारतीय शूटिंग टीम के कप्तान की हैसियत से वर्ल्ड कप भी खेला, अलेन में वर्ल्ड कप खेला, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में वर्ल्ड कप खेला, उनको भी झूठे मुकदमों में फंसा करके इस सरकार ने जेल भेजने का काम किया। तब भी हम नहीं दबे और नहीं झुके। मेरे ऊपर पैदा होने से पहले अपराध करने का मुकदमा लगाकर मुझे भी जेल भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन माननीय न्यायालय ने उसमें मुझे अरेस्ट स्टे देकर मुझे बचा लिया। यही नहीं खत्म हुई बात, मेरी भाभी मेरे भाई से जेल मिलने गई, उनके ऊपर झूठा मुकदमा लगाकर उनको भी जेल में भेज दिया और 1 साल के बच्चे को अनाथ जैसी जिंदगी जीने पर मजबूर किया। तब भी इन जालिमों का पेट नहीं भरा, जब इन्होंने देखा कि ये तो नहीं दब रहे हैं, नहीं झुक रहे हैं, नहीं डर रहे हैं और लोकतंत्र में जनता की ताकत इन्हें प्राप्त है, जन समर्थन प्राप्त है, प्यार आशीर्वाद और दुआएं प्राप्त है, इनको हम ऐसे नहीं हरा सकते हैं। तब उन्होंने 19 मार्च को मेरे पिता के खाने में जेल के अंदर जहर दिया। जहर के बाद इलाज भी नहीं की तरह गया, चंद घंटों में जो डॉक्टर उनको आईसीयू में भर्ती करता है उसी डॉक्टर से चंद घंटों बाद ये लिखवा लिया जाता है कि वो स्वस्थ है, वो फिट है और वापस उनको जेल की तन्हाई बैरिक में डाल दिया जाता है और उनकी मौत का इंतजार किया जाता है। और 28 मार्च को हमने और आपको सबको न्यूज के माध्यम से पता चला कि मेरे पिता मेरे वालिद अभी इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन एक संघर्ष का इतिहास हमारे परिवार का रहा है, चाहे मेरे पिता, चाहे मेरे बड़े पिता, चाहे हमारे दादा, चाहे हमारे परदादा, जब ये देश गुलामी की जंजीरों में था तो डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी गांधी जी के आह्वान पर हिंदुस्तान लौटे। वो लंदन में सर्जन की हैसियत से चैरिंग क्रॉस हॉस्पिटल में थे और भारत आए और पहली बार कांग्रेस पार्टी का दफ्तर दरियागंज में, जो हमारी दिल्ली में कोठी थी, उसको देख करके माननीय गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी का पहला दफ्तर में। जब देश आजाद हो गया और कश्मीर पे कब्जा करने के लिए पाकिस्तान से जंग हुई, झांगर घाटी को, नौशेरा को पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, तब पहली सेना जब भारत से भेजी गई तो उस सेना का प्रतिनिधित्व मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं कि मेरे परनाना ब्रिगेडियर उस्मान ने, और उन्होंने झांगर घाटी को भी वापस दिलाया और तिरंगा फहराया और नौशेरा को भी वापस दिलाया, तिरंगा फहराया और उसी जंग में टैंक का गोला लगने से वो शहीद हुए और उनके शहीद होने के बाद उनको प्रथम महावीर चक्र विजेता बनाया गया। जिन्ना ने आफत दिया था उनको कि ब्रिगेडियर उस्मान हम आपको अपनी सेना का सबसे बड़ा पद देंगे, आप पाकिस्तान आ जाओ। ब्रिगेडियर उस्मान ने कहा इसी हिंदुस्तान की सरजमीन में पैदा हुआ हूं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन में दफन हो जाऊंगा लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। और लाखों शहादत पाई, इन रगों में उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का खून है, इन रगों में ब्रिगेडियर उस्मान का खून है, ये दबने और झुकने वाली नस्ल नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हमें बर्बाद करने की तमाम कोशिशें की गई लेकिन हम ना दबे और ना झुके, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपका प्यार और आपका आशीर्वाद है। मेरे वालिद के पिता के जाने के बाद मेरी माता नहीं थी, मेरे भाई नहीं थे, मैं अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन लाखों करोड़ों माओं और लाखों करोड़ों भाइयों ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे हिम्मत और हौसला देने का काम किया। मैं तहे दिल से आप सबका एहसान मंद और शुक्रगुजार हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माओ बहनों, आज वक्त आ चुका है कि सियासत में अपनी वोट की ताकत से लड़ाई लड़ी जाए। आपकी एक उंगली, आपका एक वोट सिर्फ सांसद नहीं बनाएगा, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि आपका एक वोट, आपकी एक उंगली यहां का सांसद भी बनाएगा और इस देश का प्रधानमंत्री को भी बदलने का काम करेगा। तो सब लोग, आप लोग तैयार हैं क्या सरकार बनने खातिर? एक बार हाथ उठा के बता दें। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माओ बहनों, आपने जो प्यार और आशीर्वाद दिया है वो मेरे जख्म पे मरहम बनकर लगा है
और मैं तहे दिल से आपका एहसानमंद और शुक्रगुजार हूं। रगों में जो भी लहू है वो तेरी अमानत है, रगों में जो भी लहू है वो तेरी अमानत है, जब जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। जय हिंद, जय भारत।